हल्का नया लेकिन सियासी खिलाड़ी हैं पुराने। NA-53 में एक तरफ हैं साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान और दूसरी तरफ हैं वजीर आजम बनने के लिए बेताब इमरान खान। मुकाबला बड़ों का है तो होगा भी बड़ा, लेकिन नजर छोटे बड़े सब रखेंगे। आयशा गुलालई भी उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके जीतने के कितने इम्कान हैं ये सबको पता है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स 3,12,143 हैं, जिनमें से खवातीन 1,40,119 और मर्द वोटर्स 1,66,024 हैं। इस हल्के में 325 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से 24 पोलिंग स्टेशन मखलूत होंगे। NA-53 यू तो वफाकी दारुल हुकूमत का हल्का है, लेकिन बिरादरी का जादू यहाँ भी चलता है। किसे हराना है, किसे जिताना है, इसका फैसला आबासी, गुज्जर, खान, राजा और सती बिरादरियों ने ही करना है। नौकरी पेशा अफराद की जहाँ अक्सरियत है, इसलिए फैसले में भी इसका मरकजी किरदार होगा। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज के अफसरान को 23 से 27 जुलाई तक मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात होंगे। किसी भी बेजाब्तगी की सूरत पर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के हामिल अफसरान मौका पर सजा सुना सकेंगे। माजी में भी पाक फौज के अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल के इख्तियारात दिए गए। आईन के आर्टिकल 220 और 245 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात दिए हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर के तमाम मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कंटोनमेंट बोर्ड्स के सरबराहान 25 जुलाई तक मुअत्तल रहेंगे। इसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल कमेटीज, यूनियन काउंसिल्स के तमाम ओहदेदार भी आम इंतखाबात तक मुअत्तल रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इदारों के सरबराहान को मुअत्तल करने का मकसद इलेक्शन को शफाफ बनाना है। जिशान अली भट्टी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया था कि यूसुफ रजा गिलानी ने कर्जे माफ कराए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद के हल्का NA-105 से PTI के उम्मीदवार राना आसिफ तौसीफ की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त पर उन्हें मशरूत इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कौमी असम्बली के हल्का NA-140 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जाहिद हुसैन को अदालत ने मशकूक डिग्री पर इंतखाब लड़ने से रोक दिया, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के PB-13 से उम्मीदवार फायक जमाली को भी इलेक्शन गेम से बाहर कर दिया गया। आरओ ट्रिब्यूनल ने फाइक जमाली के कागजात नामजदगी नैब सजा की वजह से नाअहली की बुनियाद पर मुस्तरद किए थे। अदालत ने पंजाब असम्बली के हल्के PP-145 से आजाद उम्मीदवार जावेद अख्तर को भी इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर अदालत ने जावेद अख्तर पर 1,00,000 का जुर्माना भी आयद कर दिया। इंतखाबी मुहिम में कॉर्नर मीटिंग्स की बजाय तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की खवातीन ने घरों में सहेलियों के साथ महाफिल सजा कर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दिया है। जब हम एक कॉर्नर मीटिंग करते हैं, मुख्तलिफ छोटी मोटी वहाँ पे हम मीटिंग्स करते हैं, तो उसमें ये चीज़ चलती रहती है। एक्चुअली हमारा तो PTI का, तो हम लोग तो अपने हमेशा यही बात करते हैं कि हमारे खान ने कभी हमें आराम से नहीं बैठने दिया। आप लोगों भी माशाल्लाह आप लोग मीडिया के लोग हैं और आपको पता होगा कि PTI का वर्कर हर वक्त एक्टिव रहता है। तरीके इंसाफ की कारकुन सहेलियां बाकायदगी से एक दूसरे के घर में बैठक लगाती हैं, जहां इंतखाबी गर्मा गर्मी तो होती ही है, साथ में सहेलियों की खुशगपियाँ भी देखने को मिलती है। मोहल्ले विचों वोट ना मंगी। गपशप और मजे के कानून से भरपूर ये अनोखी इंतखाबी मुहिम नतीजा खेज साबित होगी। इसका पता तो 25 जुलाई को ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि एक रेफरेंस पर फैसला आ चुका। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि शरीफ खानदान के खिलाफ मजीद दो रेफरेंसेज जेरे समाअत हैं। इसाफ डार के खिलाफ जिमनी रेफरेंस पर भी समाअत जारी है। ख्वाजा हारिस ने मौकिफ इख्तियार किया कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि तीनों रेफरेंसेज का फैसला इकट्ठा होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने वकील सफाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा फ्लैगशिप और एवन फील्ड के शवाहिद मुख्तलिफ हैं। जस्टिस ने कहा कि ख्वाजा साहब केस जल्द खत्म होगा तो आपको भी सुकून मिलेगा। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मजीद 6 हफ्तों का वक्त दे दिया। अदालत उज़्मा पहले भी फैसले की मुद्दत में 3 बार तौसी कर चुकी है।